बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह वीडियो ब्लॉग्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक स्मार्ट वॉच, जो कि चाइनीज़ कंपनी का है, चाइनीज़ ब्रांड है, कोई इतना फेमस नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ 25 दिरहम का है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जौन सी भी कंट्री में रह रहे हैं आप वहाँ पर, कि ये कितना सस्ता है। लेकिन इसमें इसके साथ एक और भी बात है कि इसमें कोई इतने ख़ास फीचर्स नहीं हैं। चलिए बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच 2018। ओके, डाटा क्वालिटी स्टेबलाइज्ड। इसमें सिल्वर कलर है और इसमें सिम कार्ड लगेगा इसके साथ। इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है सीपीयू है इसका MTK 6260। स्क्रीन इसकी 1.5 है, 240x240 रेजोल्यूशन है। नेटवर्क इसका GSM है, वाईफाई नहीं है। अच्छा, कैमरा इसका VGA है, 0.3 मेगापिक्सल है। बैटरी इसकी 1500 mAh है। लैंग्वेज इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, उर्दू। स्टोरेज इसकी खाली MB में है, 128 MB प्लस 64 MB। अच्छा, और एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीप वॉच है। इस तरह मैंने कहा कि चले आपके साथ शेयर कर दी जाए ये वीडियो। और इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो इसको ऐसा मोबाइल यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये एक्चुअली मैं वहाँ पर ही चेक करके ही लेके आया था, तो एक्चुअली आपको पता है चाइनीज़ ब्रांड जो होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कहीं ख़राब ना निकल आए। तो इसमें ये इसकी फैसिलिटीज़ हैं। व्हाट्सएप है, लेकिन आपको वो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल के थ्रू। बाकी म्यूज़िक प्लेयर है, पेडोमीटर है, फ़ोन कॉल्स है, टच स्क्रीन है, उसके बाद क्लॉक है। SD कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं अप टू 32 GB का। तो चलिए इसको देखते हैं ये किस तरह की है। अच्छा, ये है इसकी वॉच। इसके साथ कुछ ना खास सिस्टम तो नहीं है ये। इस और इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, काफ़ी फनी है, ये चाइनीज में लिखा हुआ है और आई थिंक इंग्लिश में भी होना चाहिए। चलें, इसका इतना कोई ऐसा ख़ास तो है नहीं। चार्जिंग केबल इसके साथ सिर्फ मिली है, चार्जर बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने आपको प्राइस बताए थे उस हिसाब से तो इन लोगों ने घड़ी दे दी, बहुत बड़ी बात है स्मार्ट वॉच। तो इसका जो चार्जर है, मतलब USB केबल जो है वो नॉर्मल है, माइक्रो USB टू USB है। चलिए अभी मेन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसको अनबॉक्स किया है। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ, बिल्ड डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अच्छा, स्टेप इसका बहुत अच्छा है, रबराइज है। और इसके पीछे जो है आपकी सिम ट्रे, इसका जो कवर है इसके पीछे आपकी सिम लग जाएगी और प्लस इसमें माइक्रो SD कार्ड लग जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये इसका होम बटन है फ्रंट पे। और चलें इसको स्क्रीन प्रोटेक्टर को उतार देते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने उतार दिया है, बाकी शाइन है, काफ़ी अच्छा है। कैमरा है इसका, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको बूट अप करते हैं। चाइनीज़ ब्रांड है तो इसी तरह ये लोगोस वगैरह आते हैं। तो ये आपके सामने ऑन हो चुका हुआ है, टच स्क्रीन है, नॉर्मल है, कोई इतनी ख़ास इसमें वो नहीं है। इसमें कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, इमेज व्यूवर है, प्लस इसमें आप जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, और इसमें फाइल मैनेजर भी है, फेसबुक है, प्लस व्हाट्सएप ट्विटर है। लेकिन व्हाट्सएप ट्विटर के लिए आपको जो है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल के साथ। इसमें आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस आएंगे और प्लस आपको ट्वीट भी होगा, लेकिन इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको मैं इसका जो है साउंड सुना देता हूँ कॉल करके, कि इसका साउंड किस तरह का है, ये मैं आपको सब दिखा देता हूँ। मेन्यू काफ़ी इन्होंने लंबा दे दिया है, लेकिन चलो ठीक है। ये जैसे
डायलिंग मोड इसका जो है काफ़ी बेहतर है, टच स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। ओके करता हूँ कॉलिंग के लिए। स्पीकर इसका ओके है, लेकिन यह है कि एक स्मार्ट वॉच के लिए काफ़ी अच्छा स्पीकर है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शन ये नहीं है कि आप लाउड करें या इसमें आप उसके थ्रू सुनिए, ब्लूटूथ के थ्रू आप सुन सकते हैं, लेकिन यह है कि इसमें इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपकी कोई कॉल आए तो आप जो है इस अपनी स्मार्ट वॉच को अपने कान के साथ लगाएंगे, तो बिल्कुल इसकी आवाज़ उस हिसाब से इन लोगों ने परफेक्ट रखी है। अगर आप दूर से सुनेंगे तो थोड़ी कम सुनाई देगी, अगर करीब मतलब अपना हाथ लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका वॉइस कॉलिंग रिसेप्शन आपको सही मिलेगा, और इसके सिग्नल एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। बस 25 दरम में इतना ही है, और दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा इससे अच्छा कोई स्मार्ट वॉच लेते हैं जैसे कि 100 दरम या 200 दरम का होता है तो उसमें वाईफाई भी होता है, इसमें डेटा सिम है, आप इसमें डेटा डाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी बेहतर है, यानी कि अगर आप इसको एज अ वॉच यूज़ करेंगे तो तकरीबन 1 दिन या 1.5 दिन पूरा निकल जाता है, और अगर इसको आप जैसे यूज़ करते हैं इसका व्हाट्सएप या कैलकुलेटर या कैमरा तो तकरीबन 3 से 4 घंटे ही निकल ही जाती है। तो गाइस प्लीज़, ये एक नॉर्मल वॉच थी, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव वॉच नहीं है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसे बोलते हैं कि आप ये वीडियो भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में और भी बहुत सारा सेटअप बनाऊंगा अपना, और अपनी नई से नई वीडियो शेयर करूंगा मेरे चैनल पे, हर किस्म की वीडियोस में अपलोड करूंगा चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और शेयर इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।